आता देवेंद्र फडणवीस बोलता है, थेट जाऊया विशेष रूप से रिजर्वेशन पर, तो एक प्रकार से उनकी जो मानसिकता है वो सामने आई। दूसरा, जिस प्रकार से वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है। देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी में 350 जातियां हैं, ये 350 जातियां मिलकर ओबीसी समूह बनता है तो एक प्रेशर ग्रुप है कि भाई ओबीसी का कल्याण करना है। अगर 350 जातियां अलग अलग हो जाए तो एक समूह नहीं रहेगा, इनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर हम मसलन एसटी की बात करें तो 54 अलग अलग आदिवासी समुदाय का मिलकर एसटी प्रवर्ग बनता है, देर आर 54 कास्ट और एंड सब कास्ट। अब इनको अगर अलग कर दे तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं रहते। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, जिस प्रकार से ये भारत जोड़ो नाम का जो एक समुदाय तैयार किया है, इस समुदाय की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो एनार्किस्ट लोग हैं, ये एनार्की फैलाना चाहते हैं। और ये लोग भारत जोड़ो नहीं है, भारत को समाजों में बांटो और उसके बाद भारत को तोड़ो। और वो तो कहते हैं कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ, देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा